खन्ना खुला है झारखंड में ना, वो झारखंड में नहीं बिहार में खुलवा देना चाहिए था। लोगों को छलने का काम किया। इस वक्त हमारी मौजूदगी अभी गर्दनी बाग में है। यहाँ पे लगातार कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रही है, लेकिन आज एक नया धरना प्रदर्शन इसी में ऐड हो गया। ऐड ये हुआ कि जो सीटेट पीटेट 2019 के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, ये लोग अपनी मांगों के लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इनको ये एक आश्वासन देकर भेज दिया गया था जून के महीने में ही कि आपकी जुलाई के अंतिम सप्ताह में आपकी नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। ये शिक्षा विभाग के द्वारा नोटिस जारी किया गया था, लेकिन इसके बाद भी जुलाई के अंतिम सप्ताह में इनकी नोटिस नहीं, इनकी नोटिफिकेशन जारी नहीं होती है। इसको लेकर आज सब धरना प्रदर्शन फिर से सीटेट पीटेट शिक्षक अभ्यर्थी हैं, ये लोग धरना प्रदर्शन पर निश्चितकालीन बैठ गए हैं। अब इनसे हम जानेंगे इन लोग का अगला स्टेप क्या होगा। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। बिल्कुल सर, आपको भी हृदय तल से आभार, आपको भी मतलब स्वागत है कि आप कम से कम तक पंचायत टीवी के होकर के बहुत बार हम लोग का न्यूज़ कवरेज किए हैं, इसके लिए आप भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोग का एक नोटिफिकेशन दिया गया था, बोला गया था कि 25 जुलाई के अंतिम सप्ताह में नोटिफिकेशन आप लोग को जारी कर दी जाएगी, ऐसा नहीं हुआ, क्यों? ये तो शिक्षा विभाग बताएगी ना सर कि क्यों नहीं नोटिफिकेशन जारी हुआ। वो शिक्षा विभाग बोली कि जुलाई के अंतिम सप्ताह तक आप लोग का नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। विगत आप देख पा रहे होंगे, आप अपने चैनल के माध्यम से भी दिखाएं कि कितना बार हम लोग का वादा लिया गया है और अभी तक वो वादा पे खरा नहीं उतरा है। और बहुत बार वो जुलाई के अंतिम सप्ताह में भी बोले थे, उसके बाद हम लोग भी जुलाई अंतिम सप्ताह खत्म हो गई है, अगस्त में हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए बाध्य हैं और ये शिक्षा विभाग के कान पे कब जूरेंगे का ये पता नहीं, समझ में नहीं आता है सर। पूरे पूरे अभ्यर्थियों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दी है इतना ये मतलब शीघ्र जल्दी बोले हैं और समय लिए हैं कि उतना इतना लेटर निकाले हैं शिक्षा विभाग कि उतना रोमियो जूलियट को भी लेटर नहीं लिखा होगा और न तो फिर राजा हीर को लिखा होगा, जितना शिक्षा विभाग लेटर निकाली है। और इतना लेटर निकालने के बाद भी अभी तक विज्ञप्ति नहीं आई है सर। क्या शिक्षा विभाग आप लोग को लॉलीपॉप देकर तो जून के महीने में भेज दिया यहाँ से, ये बोल गए कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में आप लोग नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी तक बिहार सरकार और शिक्षा विभाग हम लोग को छलने का काम किया, ठगने का काम किया है। आपने देखा होगा कि ये मामला अभी का नहीं है, ये मामला जब से छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया प्रारंभ हुई है तब से हम लोग संघर्षरत हैं, तब से हम लोग अपनी मांग रख रहे हैं। ये विभाग हर महीने और महीने हम लोग को लॉलीपॉप देते जा रही है कि आप जब मार्च आया तो अप्रैल में देंगे। आपको सर पता होगा, आप थे मार्च में, हम लोगों ने 3-4 तारीख को आंदोलन किया था। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, वर्तमान अपर मुख्य सचिव संजय सर के मौखिक आश्वासन ने दिया था कि अप्रैल लास्ट तक आपका विज्ञप्ति जारी हो जाएगा और उन्हीं के आश्वासन पर हम लोगों ने आंदोलन समाप्त किया मार्च वाला 4 तारीख को। उसके बाद हम लोगों ने अप्रैल तक इंतजार किया, हालांकि अप्रैल में 26 अप्रैल को एक दिवसीय आंदोलन किया गया, शिक्षा मंत्री का घेराव कार्यक्रम किया गया था, फिर वो हम लोग का सफल रहा। उसके बाद फिर मई में लगातार 22 दिनों का लगातार अनिश्चितकालीन आंदोलन चला और शिक्षा विभाग को विवश होकर एक शॉर्ट शेड्यूल जारी करना पड़ा। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि वो भी शॉर्ट शेड्यूल हम लोग के लिए एक छलावा साबित हुआ। जो शेड्यूल जारी करने की बात कही गई थी जुलाई लास्ट तक, वो शेड्यूल जारी करने के लिए जो तमाम अहर्ताएँ हैं, जो तमाम वर्क करना होता है शिक्षा विभाग को, वो वर्क भी अभी तक शिक्षा विभाग नहीं कर पाई है। 2 महीने में इनका अभी तक रिक्तियों का आकलन नहीं कर पाई है। अभी रोस्टर क्लियरेंस का काम बाकी है, पोर्टल पर अपलोड करना बाकी है, उसके बाद शेड्यूल दिया जाएगा। तो अब हम शेड्यूल के लिए नहीं आए हैं, हमें विज्ञप्ति चाहिए। आपने कहा था जुलाई लास्ट में शेड्यूल, अगस्त प्रथम सप्ताह में विज्ञप्ति। तो हम लोगों ने अभी आवेदन के माध्यम से, यहाँ के SBO साहब हैं, उनको हम लोगों ने अपना आवेदन भी दे दिया है। उस आवेदन में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आपने अगस्त के प्रथम सप्ताह में कहा था, जुलाई लास्ट में आपने कहा था कि शेड्यूल जारी करेंगे हम, आपने अपने बात पर कायम नहीं रहा, इसी वजह से हम लोग को विवश होकर आंदोलन का रुख करना पड़ा है। और ये आंदोलन अनिश्चितकालीन आंदोलन आज से प्रारंभ हुआ है और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक आप विज्ञप्ति जारी नहीं करेंगे। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप हमें क्या करना चाहते हैं, विज्ञप्ति देना चाहते हैं
या फिर इसी तरीके से मरने देना चाहते हैं। देखिए पिछले दो दिनों से बिहार में बीजेपी की देश की सबसे बड़ी पार्टी की बैठक चल रही थी, उसमें इससे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इससे 10 गुना ज्यादा लड़के उस पार्टी में शामिल थे, ये बोलने के लिए सिर्फ जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम के नारे के साथ में पूरे पट्टा गूंज उठा था, पूरा भगवा में पट्टा हो चुका था, सड़क सड़क एक एक छापे पे पुलिस की पूरा भगवा का झंडा लगाया गया था, पूरे पार्टी की बैनर लगाई गई थी, लेकिन उसी में से ये सब युवा शामिल नहीं थे, लेकिन इनको भी उसमें शामिल होनी चाहिए थी। खैर जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते लेकिन अपनी नौकरी की मांग तो कर सकते थे वहाँ पे, लेकिन इनमें से भी वहाँ पे कोई नहीं गया था। कल बीजेपी की 2-3 बैठक चल रही थी, आप लोग उसमें गए थे अपनी नौकरी की मांग के लिए? जी हाँ गए थे। क्या मांगते थे आप? हम लोग मांग किए थे कि जल्द से जल्द जो विज्ञप्ति जारी हो, लेकिन सरकार का जैसा रवैया मिले थे आप? हम लोग जो दीपक कुमार सिंह सर से जो हम लोग नहीं, देखिए बीजेपी के 2-3 बैठक चल रही थी, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, बिहार में भी सबसे ज्यादा उसके विधायक हैं, तो फिर आप लोग की बातों क्यों नहीं सुनी जा रही? सरकार जो है अभ्यर्थी के बात कभी सुन ही नहीं रही, खाली टाल मटोल करती है आजकल के चक्कर में सरकार रहती है। हम लोग जो है चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आए ताकि जो है आंदोलन को बंद किया जाए, आंदोलन करना मजबूरी है, हम लोग नहीं चाहते आंदोलन करें, लेकिन सरकार जो है अभ्यर्थी की बात को समझती नहीं है, इसलिए मजबूरी कारण हम लोग आंदोलन करना पड़ रहा। सरकार कहे थी कि जो जुलाई के अंत तक नोटिफिकेशन आएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए जो है सब्र का बांध टूटते जा रहा। और जो भी अभ्यर्थी घर में बैठे हुए हैं उनसे निवेदन करते हैं कि सभी लोग आइए गर्दन विभाग की धरती पर, आंदोलन को महाआंदोलन बनाइए, जब तक विज्ञप्ति आएगी नहीं तब तक जो आंदोलन बंद नहीं होगा। अगला कदम क्या होगा आप लोग का? अभी फिलहाल सर जब तक आंदोलन चलेगा चलता ही रहेगा, अगर इस आंदोलन से सरकार नहीं मानेंगे तो हम लोग रोड पर उतरेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। अरे भाई 3 साल से तो रोड पे उतरे हुए हैं, पूरी तरीका से रोड का ऐसा जाम करेंगे कि भी समझ में आ जाएगा, और इसका जिम्मेवार पूरी तरीका से सरकार होगा। और बिल्कुल अगर प्रशासन को मार सरकार की होगी, आप लोग इसके जिम्मेदार नहीं होंगे? आप लोग इसके जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल नहीं, कैसा जिम्मेदार नहीं है आप लोग कैसे जिम्मेदार? जब नौकरी की मांग आती है तो आप लोग उठते नहीं है, जय श्री राम के नाम पे निकल जाएगा मंदिर मस्जिद के नाम पे और सड़क पे निकल जाएंगे, आप लोग नौकरी के नाम पे निकलते नहीं है सड़क पे। देखिए इसमें क्या है कि सरकार अपना वोट बैलेंस करने के लिए ये जो है से सड़क और ये तरह तरह का जो है से भ्रम फैला रही है, और एक शिक्षकों का काम एनी टाइम ये न रह गया है कि वो रोड पर उतरे और आंदोलन करे, अगर ऐसा ही है तो 6 महीना का कोर्स इसी में शामिल कर दे, उसी में हम लोग जब प्रोटेस्टे करना है रोडे पर उतरना है तो 6 महीना का कोर्स होगा, तो हम लोग लगातार यही करेंगे, यानी ये कोर्स शामिल कर देना चाहिए सिलेबस में चाहिए शिक्षा मंत्री के अनुसार और मुख्यमंत्री के अनुसार इसको शामिल करना चाहिए। और हमें एक चीज़ और लगता है कि ये जो पागलखाना खुला है झारखंड में ना, वो झारखंड में नहीं बिहार में खुलवा देना चाहिए था, क्योंकि लेटर पर लेटर जारी करके इतना तनाव बना दिया गया है कि अब जो है से नया रोग कोरोना की जैसा पागलों का जो बीमारी है ना ये बिहार में अब पैदा होगा। देखिए आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे है जैसे कि हजारों से ज़्यादा की संख्या में आज यहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थी जुटे हुए हैं, इनकी मांगे क्या है, सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी कर दे 7th फेज की, ताकि इन लोगों का जो सीटेड बीडेड सभी क्वालिफाइड है, इन लोगों का 7th फेज का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद इन लोग का अपना आगे का एक्टिविटी लोग कर सके, लेकिन उसके बाद भी सरकार इनको लगातार आश्वासन पर आश्वासन देती जाती है, ये बोलती है कि आपको इस माह नोटिफिकेशन दे देंगे, उसके बावजूद भी इन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं दी जाती है और ये लगातार धरना प्रदर्शन करने में मजबूर रहते हैं। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल सैकड़ों से ज्यादा की संख्या में बेटियां बैठी हुई है सड़क पे, नीतीश कुमार कहते हैं एकदम बेटियों को सशक्त कर रहे हैं और यही बेटियां सड़क पे बैठी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग को 7वां चरण का विज्ञापन चाहिए, विज्ञप्ति चाहिए जल्द से जल्द। विज्ञप्ति 3 साल से मांग रही हैं आप? आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन अभी तक तो कोई विज्ञप्ति या नोटिफिकेशन अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ है। कम से कम बच्ची को आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे, ये सिर्फ एक बच्ची नहीं आई हुई, इसके साथ साथ इनके परिवार के पूरे लोग आए हुए हैं और सिर्फ एक की नौकरी के लिए पूरा घर परेशान है, पूरा घर जिला परेशान है, लेकिन इसके बाद भी कम से कम इन किसी का भी बातों की नहीं सुनी जा रही, लगातार इनको आश्वासन पर आश्वासन देकर इनको भेज दी जाती है यहाँ से। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही, मेरा नाम आदित्य, आप तो पंचायत देख रहे थे, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये खबर पहुँचे और सरकार की नींद खुले। युवा जब सड़क पर निकलेंगे जगाने के लिए सरकार को तो इनके ऊपर लाठीचार्ज करके यहाँ से मार के इनको भगा दिया जाएगा। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही, बने रहे थे पंचायत के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।